अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में सीखेंगे अरबी मिलाकर कैसे बात किया जाता है। छोटे छोटे शब्दों के साथ आप अरबी मिलाकर कैसे बात करेंगे, तो वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले हिंदी में कौन किसने का मतलब होता है मीन मीनू, यानी कि दोनों का मतलब एक ही है। कौन का मतलब मीन और मीनू, किसने का मतलब मीन और मीनू, यानी कि कौन किसने को आप मीन और मीनू कह सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कहना है कौन बोला किसने कहा, कौन बोला किसने कहा, आप अरबी में कहेंगे मिनगुल मिनगुल। कौन बोला मिनगुल, किसने कहा मिनगुल, कौन बोला मिनगुल, किसने कहा मिनगुल। कौन का मतलब होता है मीनू, बोला का मतलब होता है गुल, किसने का मतलब होता है मीनू, कहा का मतलब होता है गुल। कौन बोला किसने कहा मीनू गुल मीनगुल, समझ गए। मैं बोला, अगर आपको कहना है मैं बोला, आप अरबी में कहेंगे एनेगुल। मैं बोला एनेगुल, मैं का मतलब एना, बोला का मतलब गुल, मैं बोला एनेगुल। तुम बोला, अगर आप किसी को बोलेंगे तुम बोला, आप अरबी में बोलेंगे अंतगुल अंतगुल। तुम बोला अंतगुल, तुम का मतलब अंता, बोला का मतलब गुल, तुम बोला अंतगुल। मैं नहीं बोला, अगर आपको कहना है मैं नहीं बोला, आप अरबी में बोलेंगे ला अनगुल ला अनगुल। मैं नहीं बोला ला अनगुल, मैं का मतलब एना, नहीं का मतलब ला, बोला का मतलब गुल। मैं नहीं बोला ला अनगुल। तुम नहीं बोला, अगर हमें किसी को कहना है तुम नहीं बोला, आप अरबी में कहेंगे ला अंतगुल ला अंतगुल। तुम नहीं बोला ला अंतगुल, तुम का मतलब अंता, नहीं का मतलब ला, बोला का मतलब गुल। तुम नहीं बोला ला अंतगुल ला अंतगुल। कौन है, अगर हमें कहना है या आपसे कोई पूछेगा कौन है, अरबी में पूछेगा मिन हादा मिन हादा, कौन है मिन हादा। तुम कौन हो मिनुअंता, तुम कौन हो मिनुअंता। तुम का मतलब अंता, कौन हो का मतलब मीनू। तुम कौन हो मिनुअंता। क्या, क्या का मतलब होता है एश, क्या, क्या का मतलब होता है एश। जैसे कि अगर आपको कहना है, ध्यान से समझिएगा ठीक है, क्या चाहिए, आप अरबी में कहेंगे एश इबहा। क्या चाहिए एश इबहा, क्या का मतलब एश, चाहिए का मतलब इबहा, क्या चाहिए एश इबहा। अगर आपको किसी से पूछना है क्या कर रहे हो, आप अरबी में पूछेंगे एश शौई, क्या कर रहे हो एश शौई। क्या का मतलब एश, कर रहे हो का मतलब शौई, क्या कर रहे हो एश शौई, क्या बात कर रहे हो। यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है ठीक है, क्या बात कर रहे हो। अरबी में कहेंगे एश तत्कल्लम एश तत्कल्लम, क्या बात कर रहे हो एश तत्कल्लम, क्या का मतलब एश, बात कर रहे हो का मतलब तत्कल्लम। मैं यहाँ पर तत्कल्लम क्यों बोला, यहाँ पर मैं कल्लम भी बोल सकता था। जैसे कि क्या का मतलब एश, बात को अरबी में कहते हैं कल्लम, लेकिन मैं यहाँ पर तत्कल्लम बोला हूँ, समझ गए। बात कर रहे हो का मतलब तत्कल्लम, लेकिन बात को अरबी में कल्लम कहा जाता है, तो मैं तत्कल्लम क्यों बोला हूँ ये समझिएगा। सुनिए, जैसे कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट बोला हूँ क्या बात कर रहे हो इस तत्कल्लम, लेकिन यहाँ पर मैं अगर बताऊँ आपको तुम क्या बात कर रहे हो, मैं वहाँ पर डायरेक्ट बोला हूँ क्या बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं बोला हूँ तुम क्या बात कर रहे हो, आप अरबी में कहेंगे अंत एश कल्लम अंत एश कल्लम। यहाँ पर तत्कल्लम नहीं बोला, मैं कल्लम बोला हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं सिंपल तरीके से पूरे तरीके से हिंदी का जुमला बोला हूँ, तुम क्या बात कर रहे हो। अरबी में कहेंगे अंत एश कल्लम, तुम का मतलब अंता, क्या का मतलब एश, बात कर रहे हो का मतलब कल्लम, ठीक है। यहाँ पर तत्कल्लम नहीं है, कल्लम है, समझ गए, क्योंकि यहाँ पर तुम लगा हुआ है, इसके लिए मैं अंता लगाया हूँ।
और क्या का मतलब एश, बात कर रहे हो का मतलब कलम, सिंपल सा, समझ गए। इसके बाद क्यों, क्यों को अरबी में कहा जाता है लेश, क्यों को अरबी में कहा जाता है लेश। जैसे कि अगर आपको किसी से पूछना है तुम क्यों रो रहे हो, ध्यान से समझिएगा, तुम क्यों रो रहे हो, अरबी में कहेंगे लेश अंत इब की, लेश अंत इब की। तुम का मतलब अंत, क्यों का मतलब लेश, रो रहे हो को अरबी में कहते हैं इब की, रोना को अरबी में इब की कहा जाता है। तुम क्यों रो रहे हो, लेश अंत इब की। अगर मैं इस तरीके से बोलूँगा क्यों रो रहे हो, यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट बोलूँगा क्यों रो रहे हो, तो अरबी में कहेंगे लेश तब की, लेश तब की। यहाँ पर मैं इब की नहीं कहूँगा, तब की कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैं क्यों बोला हूँ, आगे तुम नहीं लगाया हूँ। यहाँ पर मैं क्या बोला हूँ, तुम क्यों रो रहे हो, तो अरबी में कहेंगे लेश अंत इब की। और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ क्यों रो रहे हो, तो अरबी में कहेंगे लेश तब की, लेश तब की, यानी कि तुम के जगह पर यहाँ पर मैं ता लगाया हूँ, तब की बोला हूँ ना, तुम के जगह पर तय बोला हूँ, लेश तब की, क्यों रो रहे हो, लेश तब की, ठीक है। तुम क्यों जा रहे हो, अगर आपको कहना है तुम क्यों जा रहे हो, आप अरबी में कहेंगे लेश अंतरोह, लेश अंतरोह, तुम क्यों जा रहे हो, लेश अंतरोह। तुम का मतलब अंत, क्यों का मतलब लेश, जा रहे हो का मतलब रोह, तुम क्यों जा रहे हो, लेश अंतरोह। क्यों जा रहे हो, अगर यहाँ पर मैं डायरेक्ट बोलूँगा क्यों जा रहे हो, तो अरबी में बोलेंगे लेश तरोह, लेश तरोह, क्यों जा रहे हो, लेश तरोह, क्यों का मतलब लेश, जा रहे हो का मतलब तरोह, तुम का मतलब अंत यहाँ पर लगाया हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं तुम नहीं लगाया हूँ, क्यों जा रहे हो, लेश तरोह। ध्यान से समझिएगा दोस्त, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँगा जानना, जानना का मतलब होता है आरफ, जानना का मतलब होता है आरफ, जानना, जानते हो, जानता हूँ का मतलब होता है आरफ। जैसे कि अगर आपको कहना है मैं जानता हूँ, आप अरबी में कहेंगे अन आरफ, अन आरफ, मैं जानता हूँ, अन आरफ, मैं का मतलब अना, जानता हूँ का मतलब आरफ, मैं जानता हूँ, अन आरफ, तुम जानते हो, आप अरबी में कहेंगे अंत आरफ, अंत आरफ, तुम जानते हो, अंत आरफ, मैं नहीं जानता हूँ। अगर हमें कहना है मैं नहीं जानता हूँ, यहाँ पर भी आपको समझना है, आप अरबी में कहेंगे अन माफी आरफ, अन माफी आरफ, मैं नहीं जानता हूँ, हूँ, ठीक है, अन माफी आरफ, आपको कहना है अन माफी आरफ, तुम नहीं जानते हो, अरबी में कहेंगे अंत माफी आरफ, अंत माफी आरफ। तो दोस्तों अगर आप इसे ध्यान से समझे होंगे, ध्यान से सुने होंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं अपनी तरफ से अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।